सबसे पहले शुक्रिया कि आपको ट्रेलर अच्छा लगा. दूसरी बात है, एक शेर दिल दिल चाहिए होता है इतनी बड़ी फिल्म बनाना, जो कि हमारे साथ फॉक्स हैं, हमारे साथ साजिद नडियाड वाला है, इन्हीं का शेर दिल है जो इतनी बड़ी बड़ी फिल्म बना लेते हैं. और मुश्किल बहुत रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे इतने एक्टर्स को लेके उनको एक फिल्म के अंदर पिरोना, वो बहुत ही मुश्किल रहता है. लेकिन अगर जितने भी आर्टिस्ट और जितने भी टेक्नीशियंस खेल के काम करें तो इस मुश्किल का पता नहीं चलता, बहुत आसानी से निकल जाती है. ये फिल्म करीबन 8-9 पहले ही ख़त्म हो गई थी. उसके बाद VFX की वजह से वक्त लगता है VFX को, जैसे आप जानते हो, क्योंकि जैसे आपने VFX देखे हैं तो. और ये वरना तो ये हमारी फिल्म मुझे लगता है हमने करीबन ना करीबन 60 या 70 दिन के अंदर ख़त्म कर दी थी. तो बहुत जल्दी ख़त्म कर, हमेशा पार्ट रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमेशा हम उनके बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, वो हमेशा पार्ट रहेंगे. बल्कि मैं और नाडिया एक दिन यही सोचे थे, एक हाउसफुल बनाएंगे जब वापस सबके सब मिलेंगे, वापस सबके सब मिलेंगे. क्योंकि वो तो वो ये कह सकता हूँ, नाडियाड़ों में बात कर रहे थे कि वो हमारी एवेंजर्स रहेगी, कॉमेडी एवेंजर्स. बहुत ही मस्ती वाली फिल्म है, बहुत ही मजाकिया वाली फिल्म है. आई थिंक थैंक्स टू हिम, हम तीनों के हाथों में गोबर था एट वन पॉइंट. आपको याद नहीं है? Of course, it was ऐसे वो गेम खेलते हैं कि like he'll blindfold us और फिर हमें ऐसा मत कहो. No, let's explain. बाकी पूरा कुछ फिल्म के बारे आए ना आए ये जरूर आएगा कि let's get this straight. उन्होंने एक दिन हम लोग सेट पे बैठे हुए थे तो बस बातों बातों में बोला तुम्हें अपनी किस्मत के बारे में क्या लगता है, तीनों लड़कियों से पूछा. And that's how the prank started, and it was all done in great spirit. So let's make that very clear. But yeah, he is one of the funniest people we worked with, and very respectful and very funny. नहीं, actually क्या था कि जब इन्होंने किरदार लिखा है, जब इतने होनहार लेखक इतनी अच्छी तरह लिखते तो actors को बहुत कम करना पड़ता है क्योंकि लाइनें इतनी अच्छी होती हैं. And then they guide you कि exactly उसको कैसे करना पड़ता है. All thanks to the writing and the director that has helped me do this. But what I said was in good spirit, so yes. If it hurts you, I'm damn sorry. No. तब तो मुझे यही नहीं पता था कि मुझे एक्टर बनना है. वो तो बहुत मतलब I think तब से अब तक काफी कुछ बदला है, but it's very very surreal. And especially for me coming back to working with Sajid Nadarwala sir, who's launched me, I think. This is the best way I could have come back working with him at home with a great franchise like Houseful 4. Yeah, I don't think मुझे कभी लगा था कि मैं Houseful करने वाली हूँ, because like she said, I never thought I would be an actor. But I think जो आपने 1, 2, or 3 Houseful देखा ये बहुत ही अलग है. Even simple things जैसे कि हम राजकुमारियाँ बहुत ही like we are warrior princesses, you know. तो हम action कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं फिल्म में, and I think it is it's something that's so unique that I got to play past life and present life in one film. So it's going to be unique. Houseful is probably my most favorite comedy franchise film. I can't believe sometimes that I'm a part of it. Jab pehla poster aaya tha, for me it was a moment of pride. Maine mom ko sabse pehle WhatsApp pe bheja before I posted it online saying, Ma, I can't believe I'm in Houseful. It was a very emotional moment for me. Apart from that, I think all I'd like to say is, of course, every movie is special, but Houseful definitely it ticks something off my bucket list, and I find it a matter of great deal to have worked with such lovely people. And period drama bhi kar liya, Houseful bhi kar li, 2-in-1 ho gaya hamara to. That's what you have to see. Yeah. Because yahi to challenge tha aur yahi to maza hai ki hum wo nahi dekhe. Aajkal ki filmon mein kya ho gaya hai? वही फॉर्मूला चलता नहीं है. कुछ नया कॉन्सेप्ट, कुछ वैकी वियर्ड थॉट्स चलते हैं. एंड जब ये आइडिया आया था, बिकॉज आई हैव रिटन हाउसफुल 2, आई हैव रिटन हाउसफुल 3 एंड 4 भी जब हम लोग लिख रहे थे, तो ये जब जर्म आया, जब आइडिया आया, सो वी न्यू दैट ये सर क्या है ना, आज फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे से ज़्यादा अलग चीज़ चलती है, मैं वो मानता हूँ. और यहाँ पर ये अलग भी है, अच्छी भी है, एंड आई होप एंड प्रे एवरी वन लव्स द फिल्म. क्या है कि मेरे साथ जो बैठा है मेरा दोस्त अच्छे भैया, इसने ज़िंदगी में इतनी मेहनत की है और मैं हमेशा सोचता था कि ये इसीलिए इतना सक्सेसफुल है,
और बस मैंने अंदर बस एक बात को पैदा किया है कि मेहनत करो ज़्यादा और फिर लोग देखेंगे और काम मिलेगा. तो मैं बस यही कहता हूँ कि आप सबको, यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ, पॉजिटिव सोचो, फिर काम मिलता रहेगा. और इसीलिए मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे इस पॉजिटिव एटीट्यूड को देख के सबने मुझे इस फिल्म के लिए चूज़ किया, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. बट एंड ऑफ द डे, as Akshay said, luck really factors, but you have to do that 30% or 40% of hard work. If you don't do that, that luck doesn't matter then.